हाय दोस्तों, आज मैं आपको ये बेडशीट डिजाइन सेट करना बताऊंगी। मुझे रिक्वेस्ट आई थी बेडशीट डिजाइन बताने के लिए। मेरे आने वाले वीडियो में मैं इस डिजाइन को बनाना बताऊंगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए पहले इसको ड्रॉ करके और सेट करके दोनों दिखाती हूँ। इस शेप का थ्री मोटिफ सेट कर लेना है। मैंने यहाँ ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके कट करके रखा है। पहले इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। और ये छोटा वाला मैंने दो ड्रॉ करके रखा हुआ है, स्मॉल वाला मोटिफ। यहाँ इन सब का कॉर्नर लेना है, हर एक कॉर्नर के ऊपर वो डिजाइन सेट करना है। और सिंगल बॉक्स लिया, उसके ऊपर एक बॉक्स, फिर इसके लेफ्ट एंड राइट बॉक्स लेना है। फिर वैसे यहाँ पे वैसे ही करना है, सिंगल बॉक्स, फिर उसके ऊपर बॉक्स, फिर लेफ्ट एंड राइट बॉक्स, फिर यहाँ पे भी वैसे ही रिपीट कर लेना है। इनके बीच में यहाँ पे राउंड सर्कल बना लेना है। अब इसको कट करना है। यहाँ पे इसके एजेस पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख करके कट कर लेना है। अब इस कॉर्नर सबको भी कट कर देना है। देखिए जैसा मैंने बनाया था वैसा बन करके आ गया है। अब इसको A3 साइज पेपर पे सेट करना है। यहाँ पे मैंने A3 साइज का पेपर लिया हुआ है, देख लीजिए। अब इसके कॉर्नर को ऐसा सेट कर लेना है। अब इस कॉर्नर पे आपको 1.1 इंचेस का मार्जिन रख करके वो जो मैंने अभी ड्रॉ किया था उसको सेट करना है, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी 1.1 रख करके ऐसे कर लेना। ये जो कॉर्नर का ये मिडिल पॉइंट है इस मोटिफ का, इसको यहाँ पे रखना है। और देखिए ये मिडिल पॉइंट इस पे रखना है। अब इसको फेवी क्विक से मैं इसको चिपका दूंगी। सेम यहाँ पे मैंने जैसे 1.1 इंचेस रखा है, अब यहाँ से यहाँ 8 इंच का मार्जिन रखूंगी। यहाँ से यहाँ मैं 8 इंचेस का मार्जिन रखूंगी, फिर यहाँ पे 1.1 इंचेस का मार्जिन रखूंगी। यहाँ पे मोटिफ को क्या करना है, इस कॉर्नर को नहीं, यहाँ मिडिल वाले कॉर्नर को ऐसे रखना है, यहाँ पे ऐसे सेट करना है। फिर इसको मैं फेवी क्विक से चिपका दूंगी। यहाँ हो गया, फिर यहाँ भी मैं 8 इंचेस के मार्जिन पे सेम वैसे ही करूंगी, 1.1 का ये रखूंगी। और यहाँ पे फिर ये वाला मिडिल पॉइंट लेना है, ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रख सेट करना है। इसको फिर फेविक्विक से मैं चिपका दूंगी। यहाँ ये वाले बॉक्स का जो पॉइंट है सो, और यहाँ ये वाले बॉक्स का पॉइंट, इन दोनों के बीच में कर्व शेप बना लेना है। इस कर्व शेप पे मैं कच को सेट करूंगी। थोड़ा सा गैप छोड़ देना है यहाँ से, यहाँ चिपकाना नहीं है। इन दोनों के बीच का जो मिडिल पॉइंट आएगा उस मिडिल पॉइंट पे इसको चिपका देना है।
देखिए ये 8 इंचेस है, 4 इंचेस पे, 4 इंचेस पे ये आ रहा है। इसको यहाँ ऐसे चिपका देना है। यहाँ इससे ऐसे करते हुए फिर कर्व ले लेना है। यहाँ फिर से करते हुए यहाँ पे कर्व ले लेना है, इसे इसे अटैच कर लेना है। इस पे क्या करना है आपको, लेजी डेजी सेट कर लेना है। सेम वैसे ही इधर भी कर लेना है। जैसे मैंने इस पे किया वैसे अब मैं इस पे कर रही हूँ। यहाँ यहाँ इसके बॉक्स के फर्स्ट सेकंड छोड़ करके ये थर्ड वाले बॉक्स से लेना है। यहाँ पे फिर ये थर्ड वाले बॉक्स से इस पे भी आपको कचवर को सेट कर लेना है, थोड़ा मार्जिन छोड़ करके जैसे मैंने उसमें किया है उधर साइड का वैसे इस पे भी करना है। सेम जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे यहाँ 8 इंचेस का है। अब इन दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट आएगा 4। अब इस डिजाइन को उसी पे सेट कर लेना है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे ही कर्व शेप डाल करके लेजी डेजी सेट कर लेना है। फिर यहाँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कर्व शेप डाल करके लेजी डेजी सेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने कार्बन पेपर रख लिया है। अब मैं सेम इसी डिजाइन को पेन या पेंसिल से चला दूंगी, फिर ये नीचे निकल करके कैसा आता है फिर वो दिखाती हूँ। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। कार्बन पेपर पे ड्रॉ करने के बाद देखिए ये डिजाइन ऐसा निकल करके आएगा। किसी डिजाइन को आप अगर मिडिल में सेट करना है तो एक साइड से ये रखे फिर दूसरे साइड से ऐसे रखिएगा तो ये इस कॉर्नर पे ऐसे आकर के ये सेट हो जाएगा। तो ये मिडिल का हो जाएगा बेडशीट पे और ये कॉर्नर का है बेडशीट पे। बस इसी को आपको कंटिन्यू करते हुए चले जाना है।